अगर आपका बजट 25,000 के अंदर में है और अगर आप एक बेस्ट कैमरा फ़ोन ख़रीदना चाहते हो तो आज की इस वीडियो में मैं आपको तीन दोस्त फ़ोन बताने वाला हूँ जो बेस्ट कैमरा फ़ोन होने वाला है। तीन स्मार्टफोन ब्रांड का तीन फ़ोन बताने वाला हूँ जिसमें होगा वन प्लस, एम आई एंड वीवो। ठीक है, इन तीन स्मार्टफोन ब्रांड का तीन दोस्त फ़ोन बताने वाला हूँ जो बेस्ट वैल्यू फॉर मनी एक कैमरा स्मार्टफोन है। ठीक है, कैमरा फोकस है आज की इस वीडियो का, मेन ही है कैमरा। ठीक है, चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं वन प्लस की तरफ से। ठीक है, वन प्लस की तरफ से एक हाल ही में फ़ोन लॉन्च हुआ है, वो है वन प्लस नॉट सी 5G। ठीक है, अगर आपको एक अच्छा प्रोसेसर चाहिए, डिस्प्ले भी अच्छा चाहिए, प्रोसेसर भी अच्छा चाहिए, एक गेमिंग प्रोसेसर चाहिए, एक फास्ट चार्जिंग चाहिए, कैमरा भी ठीक ठाक है इस फोन, इस वीडियो का मेन ही है मोटिव की कैमरा बेस्ट कैमरा फोन। ठीक है, पीछे का तो इस वन प्लस की तरफ से ये फ़ोन बहुत ही अच्छा है। आप बात करते हैं दोस्तों इस फोन की मेन स्पेसिफिकेशन की, तो वन प्लस नॉट सी 5G में आपको मिल जाता है एक 6.4 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले और 90Hz का रिफ्रेश रेट। अगर डिस्प्ले देखा जाए डिस्प्ले को डेफिनेटली अच्छा मिल जाता है, फुल HD भी मिल जाता है और सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है, फ्लूइड सुपर एमोलेड डिस्प्ले। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है, 90Hz का स्मूथ डिस्प्ले भी आपको मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इस फोन के प्रोसेसर की, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G प्रोसेसर। जी दोस्तों, ये प्रोसेसर डेफिनेटली दोस्तों एक अच्छा प्रोसेसर है, मैंने पहले ही बता दिया कि अगर आपको गेमिंग भी चाहिए, गेमिंग कैमरा और अच्छा डिस्प्ले, फास्ट चार्जिंग, तो ये फ़ोन ऑलराउंडर एक बेस्ट फ़ोन है। ठीक है, वन प्लस की तरफ से आपको तो पता ही होगा वन प्लस की फ़ोन ज़्यादा अच्छा ही होता है, एक महंगा फ्लैगशिप होता है और बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, तो स्नैपड्रैगन 750G प्रोसेसर है जो दोस्तों एक गेमिंग प्रोसेसर है। ठीक है, इसमें बेझिझक आप बहुत ही अच्छे से गेम्स वगैरह खेल पाओगे। नेक्स्ट बात करते हैं इस फोन की बैटरी की, तो यहाँ पर आपको 4500mAh की बैटरी मिल जाता है और 30W का फास्ट चार्जर मिल जाता है। मैंने पहले ही बता दिया अगर आपको फास्ट चार्जिंग चाहिए तो इस फोन को खरीद सकते हो, यहाँ पर आपको 30W का फास्ट चार्जर मिल जाता है, जो कि दोस्तों एक बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, बहुत ही कम समय में दोस्तों ये फोन को फुल चार्ज कर सकता है। नेक्स्ट तो बात करते हैं इस फोन की मेन जो कैमरा, कैमरा दोस्तों आपको 64MP का मेन कैमरा मिल जाता है प्लस 8+2 और फ्रंट में दोस्तों थोड़ा सा कम मिल जाता है, 16MP का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। अब बात करते हैं इस फोन की प्राइस की, तो 8GB रैम 128GB स्टोरेज जो 24GB है इसको आप परचेस कर सकते हो। अगर आपका बजट पूरा 25,000 के अंदर में है तो इस फोन को आप डेफिनेटली परचेस कर सकते हो वन प्लस की तरफ से। ठीक है, 8GB रैम 128GB वेरियंट जो प्राइस है, और भी वेरियंट है पर उसका प्राइस और भी ज़्यादा है, तो 8GB रैम 128GB बेस्ट वेरियंट है, इसको आप परचेस कर सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं MI की तरफ से, MI 10i 5G। जी दोस्तों, ये भी बहुत पहले लॉन्च हुआ है, थोड़ा सा पहले लॉन्च हुआ है, 6-7 महीने पहले शायद लॉन्च हुआ है MI 10i 5G। ठीक है, दोनों फ़ोन ही 5G है। अगर आपको एक बिग डिस्प्ले फ़ोन चाहिए, एक अच्छा इस फोन का सब बहुत ही बेहतर दोस्तों कैमरा मिल जाता है इस फोन में। ठीक है, MI की तरफ से मैं बताऊंगा कैमरा कितना है। ठीक है, अब बात करते हैं इस फोन की मेन, यहाँ पर भी प्रोसेसर दोस्तों बहुत ही अच्छा मिल जाता है। डिस्प्ले बात करते हैं 6.6 इंचेस का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिल जाता है और 120Hz का रिफ्रेश मिल जाता है। ठीक है, वन प्लस के फ़ोन में आपको वन प्लस नॉट सी 5G में आपको मिल जाता है 90Hz का और यहाँ पर आपको 120Hz का एक फास्ट रिफ्रेश रेट मिल जाता है, जो कि दोस्तों एक बहुत ही अच्छी बात है। और आपको स्नैपड्रैगन 750G का प्रोसेसर मिल जाता है जो वन प्लस में भी था, बहुत अच्छा गेमिंग प्रोसेसर है इसमें नो डाउट। और अब आपको इससे थोड़ा सा अच्छा मिल जाता है वो आपको 4500 मिल जाता है और आपको 4820mAh की बैटरी मिल जाता है। ठीक है, 4820 और 33W का फास्ट चार्जर मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है, ये भी फ़ोन को बहुत ही कम समय फुल चार्ज कर सकता है। अब बात करते हैं इस फोन मेन कैमरा की, पीछे का। ठीक है, पीछे का कैमरा दोस्तों बहुत ही अच्छा है, 108MP का कैमरा मिल जाता है। ठीक है, 108+8+2+2 108MP का क्वाड कैमरा मिल जाता है। ठीक है, चार कैमरा, वो उन तीनों कैमरा का उतना काम नहीं, मेन का 108MP कैमरा। ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, और यह पर फ्रंट में आपको 16MP का सेल्फी कैमरा मिल जाता है, 16MP थोड़ा सा कम है और ज़्यादा दे देता तो अच्छा हो जाता। ठीक है, पर अगर आपका पीछे का कैमरा, रियर कैमरा अगर एक मेन है, रियर कैमरा से आप बहुत फोटो वीडियो शूट करते हो, कुछ भी यूट्यूब के लिए वीडियोस बनाते हो या फिर कुछ भी ऐसे करते हो, तो MI 10i 5G आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा कैमरा बनने वाला है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं इस फोन की प्राइस की, तो 6GB रैम 128GB जिसका प्राइस है 21999 और 8GB रैम 128GB जिसका प्राइस है 23999। ठीक है, इन दोनों वेरियंट में जो भी आपका पसंद है 25,000 के अंदर में है, दोनों में आप खरीद सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं जो मुझे सबसे बढ़िया लगा वो है वीवो की तरफ से, वीवो V20। जी दोस्तों, अगर आपको एक अच्छा ठीक ठाक डिस्प्ले चाहिए,
प्रोसेसर भी अच्छा चाहिए, फास्ट चार्जिंग चाहिए, रैम रोम वेरियंट अच्छा चाहिए और कैमरा सेल्फी कैमरा बहुत ही अच्छा चाहिए। तो डेफिनेटली दोस्तों वीवो V20 आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा फ़ोन है। ये दोस्तों फ़ोन बहुत ही एक स्लिमेस्ट फ़ोन आप इस फोन का बोल सकते हो। बहुत ही अच्छा लाइट वेट, एक लुक एंड डिज़ाइन भी दोस्तों बहुत ही अच्छा देख सकते हो। बहुत ही अच्छा वीवो V20 मुझे सबसे बढ़िया लगा। क्वालिटी सारे फ़ोन का बैक क्वालिटी, पीछे का क्वालिटी, मतलब ओवरऑल फ़ोन दोस्तों बहुत ही बेहतर है। आप बात करते हैं इस फोन की मेन स्पेसिफिकेशन की, यह बार दोस्तों आपको मिलेगा 6.4 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जो दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है। और यह बार दोस्तों आपको प्रोसेसर उससे थोड़ा सा डाउनग्रेड मिल जाता है, पर इतना भी नहीं, बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G का प्रोसेसर मिल जाता है उन दोनों फ़ोनों में से। नॉट सी MI 29 में आपको स्नैपड्रैगन 750 मिल जाता है, पर यह बस 720, ज़्यादा फर्क नहीं है। ये भी अच्छा प्रोसेसर है, ठीक है। गेम इसमें डेफिनेटली दोस्तों आप इसमें बहुत ही बेहतर तरीके से खेल पाओगे, नो डाउट। इस वीडियो का मेन मोटिव है कि बेस्ट कैमरा फ़ोन, मैं प्रोसेसर उतना ध्यान में नहीं दूंगा, ठीक है। बट फिर भी वीवो V20 बहुत ही अच्छा फ़ोन है। और आपको यहाँ 4000 mAh की बैटरी मिल जाता है और 33 वाट का एक फास्ट चार्जर मिल जाता है, जो कि दोस्तों बहुत ही कम समय में फ़ोन को फुल चार्ज कर सकता है। और दोस्तों यहाँ पर आपको दो वेरिएंट मिलेगा, 8GB रैम 128GB स्टोरेज और 8GB रैम 256GB स्टोरेज, ठीक है। आप बात करते हैं इस फोन की प्राइस की, सॉरी दोस्तों इसके बाद कैमरा तो मैंने बताया भूल गया। कैमरा इस फोन का सबसे मेन मोटिव है, 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिल जाता है, 64+8+2। और दोस्तों फोन में जी दोस्तों आप लोग सुन के चौंक जाओगे कि फोन में आपको 44 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है, मतलब ऑसम दोस्तों, ऑसम, ठीक है। 44 जो बहुत ही अच्छी बात है, अगर आप सेल्फी वगैरह खींचते हो, एक सेल्फी सेंट्रिक स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो, डेफिनेटली दोस्तों वीवो V20 आप लोग के लिए एक बेस्ट फ़ोन होने वाला है, एक सेल्फी कैमरा फ़ोन, ठीक है। अब बात करते हैं उसकी प्राइस की, तो 8GB रैम 128GB जो वेरियंट है वो आप 24,990 रुपीज़ में खरीद सकते हो, ठीक है। बहुत ही अच्छी बात है, 25,000 के अंदर में इसको आप खरीद सकते हो। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो वीवो V20 दोस्तों एक बहुत ही अच्छा फ़ोन है, एक सेल्फी सेंट्रिक स्मार्टफोन है। आप बात करते हैं, मैं अपना ओपिनियन देते हूँ कि इनको कौन सा फ़ोन खरीदना चाहिए। देखो दोस्तों, अगर आपको एक मतलब नया फ़ोन खरीदना चाहते हो, पुराना फ़ोन आपको पसंद नहीं है, क्योंकि MI 29 वीवो V20 थोड़ा सा पुराना हो चुका है, कुछ 6-7 महीने पहले लॉन्च हुआ है। और आपको लेटेस्ट फ़ोन खरीदना चाहते हो, कैमरा भी अच्छा चाहते हो, ठीक ठाक है बैक कैमरा और प्रोसेसर भी अच्छा चाहते हो, तो OnePlus Nord CE 5G आप लोगों के लिए एक बेस्ट फ़ोन होना है। और अगर आपको एक 5G फ़ोन खरीदना है तो OnePlus Nord CE 5G आप लोगों के लिए डेफिनेटली दोस्तों एक अच्छा फ़ोन बनने वाला है। और अगर आपको एक MI की तरफ से एक फ़ोन खरीदना चाहते हो जिसमें प्रोसेसर अच्छा मिल जाता है, एक और बिग पीछे का कैमरा बिग जाते हो, 108 मेगापिक्सल कैमरा चाहते हो, तो MI 10 5G ये आप लोगों के लिए एक बेस्ट फ़ोन होने वाला है। और वीवो V20 तो मैंने बताया था, अगर आपको सेल्फी सेंट्रिक स्मार्टफोन खरीदना है तो वीवो V20 आप लोगों के लिए एक डेफिनेटली एक अच्छा फ़ोन बनने वाला है, नो डाउट। एक बहुत ही अच्छा लगा, तो मुझे सब स्पेसिफिकेशन देखने के बाद वीवो V20 मुझे सबसे बढ़िया लगा। इसके बाद OnePlus Nord CE, फिर MI 10 5G अच्छा है, तीनों फ़ोन ही अच्छा है, ठीक है। मैं किसी को बुरा नहीं पाऊंगा, जो भी फ़ोन मैं आपको बताता हूँ हमेशा बहुत रिसर्च करने के बाद ही बेस्ट फ़ोन ही बताता हूँ, ताकि एक भी फ़ोन ऐसा ना हो कि आप लोगों को खरीदने के बाद आप पछताओगे। जो भी फ़ोन बताता हूँ बहुत ही अच्छा सा फ़ोन बताता हूँ, डिटेल में आपको बता देता हूँ। दोस्तों उम्मीद है आप लोगों का पूरा डाउट क्लियर हो चुका होगा कि 25,000 के अंदर में बेस्ट कैमरा फ़ोन कौन सा है। और भी फ़ोन है मैंने नहीं बताया तो मुझे कमेंट करके सब से बताना, ताकि सभी लोगों को पता चल पाए कि और भी फ़ोन है, ठीक है। आई होप आपका वीडियो पसंद आएगा, अगर पसंद आए वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के पास शेयर करना, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलता है नेक्स्ट किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आपका दिन शुभ हो।